हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं हूं अश्विन और स्वागत है आप सबका हिंदी चेस वीडियोस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको एक और लाजवाब और बेहतरीन अटैकिंग गेम दिखाने वाला हूं, जहां पे ब्लैक ने काफ़ी ब्रूटल अटैक किया था वाइट पे, और स्पेशली अटैकिंग आइडियाज़ जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे इस गेम में। तो आइए शुरू करते हैं गेम, जहाँ पे ब्लैक साइड से खेल रहे दोस्तों पीटर एस, जो कि हंगेरियन ग्रैंड मास्टर है, और उनके सामने है काफ़ी फेमस डच ग्रैंड मास्टर लोक वैन वैली। जब ये गेम खेली गई 2002 में, उस टाइम पे पीटर एस का रेटिंग था 2591, सामने लोक वैन वैली का रेटिंग था 2681। d4 से लोक वैन वैली ने गेम की शुरुआत की, एंड नाउ नाइट f6, c4, e6, नाइट c3 एंड बिशप b4, निम्जो इंडियन डिफेंस e3, एंड नाउ कैसलिंग शॉट बिशप d3, d5, सी कैप्चर्स ऑन d5, ई कैप्चर्स ऑन d5, एंड नाउ नाइट e2। और दोस्तों, ऐसी मूव जब भी आती है, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, जब तक आप ये प्रूव ना कर पाओ कि आपका नाइट जो है वो इस नेचुरल स्क्वायर पे अच्छा नहीं है, तब तक इस तरह की मूव्स को जो है ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए। बट एनीवेज, यहाँ पे तो ग्रैंड मास्टर खेल रहे हैं, सो हम जो है कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते। बट नाइट e2 मूव की वजह से ही दोस्तों आगे चल के काफ़ी अच्छा अटैक जो है वो ब्लैक ने लॉन्च किया। रुक टू e8 गेम में खेला गया, एंड नाउ कैसलिंग शॉट बिशप टू d6, एंड नाउ a3। और दोस्तों, अगर हम डायरेक्टली जो है ग्रीक बीफ सेक्रीफाइस यानी कि बिशप कैप्चर्स ऑन h2 के लिए जाते हैं, देन वो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि किंग कैप्चर्स h2, नाइट g4 चेक के बाद किंग g3 जा सकता है, और उसके बाद दोस्तों हमारे पास क्वीन टू d6 एंड क्वीन g6 जो है वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो बिशप से कवर है। सो यहाँ पे जो है ये अटैक फेल हो सकता है। सो इसीलिए a3 के बाद नाइट टू g4 खेला गया। सो आइडिया ये है दोस्तों कि अगर वाइट यहाँ पे g3 खेलता है, देन नाइट जो है वो सिंपली बैक आ जाएगी, एंड देन ये लाइट स्क्वायर जो वीक हुए है उसका ब्लैक यूज़ करना चाहता है। बट दोस्तों, नाइट g4 के बाद लोक वैन वैली ने h3 खेला। सो अब आप यहाँ पे वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए कि ब्लैक को किस तरह से गेम को कंटिन्यू करना चाहिए। रेडी दोस्तों, यहाँ पे नॉर्मली हम यही सोचेंगे कि नाइट जो है उसको f6 पे बैक लेना चाहिए, देन हम आगे चल के कुछ जो है h3 मूव की वजह से जो वीकनेस क्रिएट हुई है उस पर कुछ सेक्रीफाइस प्लान कर सकते हैं। बट यहाँ पे हंगेरियन ग्रैंड मास्टर पीटर एस ने काफ़ी यूनिक आइडिया दिखाया, उन्होंने खेला नाइट h2। सो दोस्तों, रुक पे अटैक है, रुक को तो इजीली डिफेंड किया जा सकता है, बट यहाँ पे वाइट के लिए ज़रूरी है कि वो नाइट कैप्चर्स ऑन d5 खेले और अपना ए रुक दे दे। यहाँ पे एक्चुअली वाइट ने रुक टू e1 खेला, अपने रुक को जो है सेव किया, बट देन कम्स नाइट f3 चेक, जी कैप्चर्स ऑन f3, और अब देखिए इस किंग के प्रोटेक्शन के लिए जो है कोई ज़्यादा पीस अवेलेबल नहीं है। सो क्वीन g5 चेक, एंड ऑफकोर्स अगर आप किंग f1 जाते हो, देन बिशप कैप्चर्स ऑन h3 एंड गेम ओवर हो जाती। सो किंग h1 जो है वो फोर्स है, एंड नाउ क्वीन h4, और इस पोजीशन को अब डिफेंस कैसे किया जाए, क्योंकि आप जो है यहाँ पे बिशप कैप्चर्स h3 या फिर क्वीन कैप्चर्स ऑन h3 जो है उसको स्टॉप नहीं कर सकते। अगर आप नाइट टू f4 खेलते हो, जो कि गेम में खेला गया, देन बिशप कैप्चर f3 क्वाइट पॉसिबल है। और दोस्तों, यहाँ पे अगर आप इस बिशप की लाइन को क्लोज करते हो विथ f4, बट देन क्वीन कैप्चर्स h3, किंग g1 एंड बिशप g4 के बाद यहाँ पे वाइट के लिए बेटर यही होगा कि वो जो है पीस यहाँ पे बिशप खेल के वापस दे दे, अदरवाइज जो है बिशप f3 पे जाने वाला है, यहाँ पे मेट होने वाली है, या फिर इवन h1 पे मेट हो जाएगी, जिस केस में दोस्तों अगर बिशप f5 खेला जाता है, देन सिंपली बिशप कैप्चर्स ऑन f5, सो गया हुआ पीस भी वापस मिल जाएगा, एंड देन आपकी यहाँ पे अटैकिंग पोजीशन तो है ही, राइट। सो गेम में क्या हुआ, क्वीन h4 के बाद एक्चुअली नाइट टू f4 खेला गया। सो इस बिशप का डायगोनल फिजिकली ब्लॉक किया, एंड नाउ बिशप कैप्चर्स ऑन h3। और दोस्तों, अगर आप यहाँ पे नाइट कैप्चर्स ऑन h3 के लिए जाते हो, देन काफ़ी स्टैंडर्ड मेट आ सकती है, लाइक क्वीन कैप्चर्स ऑन h3, किंग g1, और एक काफ़ी यूजफुल पैटर्न है आपके लिए, बिशप h2, किंग g1, बिशप g3, किंग g1, क्वीन h2, किंग f1 एंड क्वीन f2 इज अ चेकमेट। सो बिशप कैप्चर्स ऑन h3 के बाद आप जो है यहाँ पे बिशप को कैप्चर नहीं कर सकते हो। सो गेम में खेला गया नाइट सी कैप्चर्स ऑन d5। सो दोस्तों, हम जब भी ये बिशप मूव करेंगे, देयर विल बी अ डिस्कवर चेक, और उसके बाद प्रॉब्लम ये है कि हमारा ये बिशप जो है वो इतना एक्टिव नहीं है, क्योंकि वो नाइट से फिजिकली ब्लॉक है। सो ये नाइट का रोल ये है कि इस बिशप को जो है वो बंद रखना। सो उसी चीज़ का बेनिफिट लेते हुए यहाँ पर ब्लैक ने खेला रुक e6, और यहाँ पे अपना रुक जो है उसको सेक्रीफाइस कर दिया, और इस पोजीशन में वाइट के लिए बेस्ट डिफेंसिव रिसोर्स यही है कि वो अगेन जो है अपना पीस दे दे, वो खेले बिशप f5, जहाँ पे बिशप कैप्चर्स f5 एंड देन किंग g2। सो एटलीस्ट यहाँ पे किंग जो है वो f1 टू e2 निकलने की ट्राई कर सकता है, पर दोस्तों इस केस में रुक टू h6, जिस केस में हमें जो है
हमारा गया हुआ पीस यानी कि सेक्रीफाइस किया हुआ पीस भी वापस मिल चुका है और दूसरी ओर हमारी अटैकिंग पोजीशन है काफ़ी लाजवाब। सो ये पोजीशन जो है वो ब्लैक के लिए कम्प्लीटली विनिंग है। यहाँ पे ऑफ कोर्स वाइट जो है थोड़ी फाइट कर सकता है बट रिजल्ट चेंज नहीं होगा। बट रुक e6 के बाद एक्चुअली लॉक वन वेली ने यहाँ पे रुक को कैप्चर कर लिया। सो आप वीडियो पोज कीजिए और सोचिए कि किस तरह से आप जो है वाइट के किंग की चेकमेट कर सकते हो। रेडी दोस्तों, यहाँ पे बिशप टू f5 खेला गया और अब ये डिस्कवर चेक है। सो किंग g1 जो है वो खेलना ऑलमोस्ट फोर्स है क्योंकि अगर आप किंग g2 जाते हो देन बिशप सॉरी क्वीन h3 चेक किंग g1 और जो हमने स्टैंडर्ड चेकमेट पैटर्न दिखाई थी वहीं आएगी बिशप h2 किंग h1 और बिशप का डिस्कवर चेक एंड देन f2 पे जो है वो चेकमेट हो जाएगी। सो बिशप f5 डिस्कवर चेक के बाद किंग टू g1 जो है वो फोर्स और दोस्तों अब क्वीन टू h2 चेक किंग f1 और इस पोजीशन में आप देखो तो हमने जो है यहाँ पे रुक दिया था उसके बदले में नाइट को भी कैप्चर नहीं की। दूसरी ओर हमारा ये बिशप जो है वो भी हैंगिंग है। सो दोस्तों यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारे सारे पीस हैंगिंग है, दो पीस तो वैसे भी सो रहे हैं राइट। सो यहाँ पे ब्लैक को क्या खेलना चाहिए? रेडी दोस्तों, दो पीस ऑलरेडी सेक्रीफाइस कर दिए एंड ये आया दोस्तों बिशप टू g3। एक पीस हैंगिंग है और दूसरा पीस हम वापस जो है वो बरने के लिए छोड़ दे रहे हैं। और पॉइंट ये है कि यहाँ पे पॉन कैप्चर्स ऑन g3 देन बिशप h3 चेकमेट एंड यहाँ पे अगर आप कुछ नहीं करते हो दोस्तों देन क्वीन कैप्चर्स ऑन f2 चेकमेट को स्टॉप ही नहीं किया जा सकता राइट। अगर आप उसको से रुक e2 खेल के सेव करते हो देन क्वीन सिंपली ऑन h1 और ये चेकमेट हो जाएगी। और दोस्तों अगर आप इस f2 स्क्वायर को जो है क्वीन टू d2 या फिर क्वीन टू c2 से सेव करने की ट्राई करते हो लेकिन उस सारे केस में बिशप कैप्चर्स ऑन d3 जो है जस्ट विनिंग है। पॉइंट ये है कि आपको जो है क्वीन से ही कैप्चर करना पड़ेगा एंड देन क्वीन कैप्चर्स f2 जो है वो चेकमेट हो जाएगी। सो दोस्तों ब्लैक ने जब बिशप टू g3 खेला किंग f1 के बाद यहाँ पर बिशप g3 इस पोजिशन में ही एक्चुअली वाइट ने रेजिग्नेशन दे दिया। सो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की अटैकिंग गेम और ये वीडियो? आई होप मेरा वीडियो जो है आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक दीजिए और अपनी कमेंट देना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद। जय हिंद। बाय बाय।